दोस्तों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली पूजा हेगड़े जल्द ही अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म राधेश्याम के साथ पर्दे पर दस्तक देने वाली है। जो विक्रमादित्य बने साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी, जहां इनका लुक और अंदाज देखकर दर्शक अभी से ही इनकी जमकर तारीफें कर रहे हैं। तभी तो आज ये सुर्खियों की वजह बन गई है। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप अभिनेत्री पूजा हेगड़े के बारे में सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखती है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब बातों की जानकारी देने वाले हैं, पूजा हेगड़े की फैमिली की हिस्ट्री बताकर। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके परिवार का इतिहास, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन इससे पहले इस बेहतरीन अदाकारा के लिए एक लाइक तो बनता है। एक नई थीम के साथ राधेश्याम फिल्म में प्रभास के साथ मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आने वाली अभिनेत्री पूजा हेगड़े आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन अगर बात करें इनके परिवार के इतिहास के बारे में, तो इनकी फैमिली हिस्ट्री शुरू होती है इनके पिता मंजुनाथ हेगड़े के घर से, जो तुलुभाषी बंट परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि ये मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में रहते हुए बतौर बिजनेसमैन की है और अपने सब फील्ड में सफलता पाने के बाद अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की लता हेगड़े से शादी रचा ली, जिन्होंने गृहिणी के तौर पर अपना घर संभाला और इस शादी से ये दोनों दो प्यारे बच्चों के माता पिता बने, जिनमें पूजा हेगड़े और इनके भाई ऋषभ हेगड़े शामिल हैं। बात करें इनके भाई ऋषभ हेगड़े के बारे में, तो बता दें ये प्रोफेशन से डॉक्टर है, जिन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर जाना जाता है, जो कि फिलहाल सिंगल हैं और अपनी बहन के साथ काफी अच्छे बॉन्ड के लिए जाने जाते हैं, जिसका अंदाज आप इन तस्वीरों से भी साफ तौर पर लगा सकते हैं। माता पिता और भाई के बाद अब बात करते हैं सब फैमिली के स्टार पूजा हेगड़े के बारे में, जिनका जन्म 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई में हुआ था और इसीलिए इनकी पूरी पढ़ाई भी यहीं से कम्प्लीट हुई थी। बता दें कि इन्हें शुरुआती दिनों से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी और इसीलिए इन्होंने फिल्मी दुनिया में आने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले इन्होंने साल 2009 में मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, हालांकि इसका खिताब तो ये नहीं जीत पाए, पर साल 2010 में हुए मिस इंडिया कॉन्सर्ट में ये सेकेंड रनर अप रही। हालांकि खिताब जीतने के बाद इन्हें करीब 2 साल तक फिल्मी दुनिया में आने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था, जहां इन्होंने कई फिल्मी डायरेक्टर से बातें की, ऑडिशन दिए और कई रिजेक्शन का सामना भी किया और इन्हें साल 2012 में आए तमिल सुपर हीरो फिल्म मुगामुदी में शक्ति की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जहां इन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी और साउथ इंडस्ट्री में अपने पहले कदम से ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। लेकिन इस फिल्म के बाद इन्हें 2 साल का फिर से इंतजार करना पड़ा और इसी इंतजार के बाद इन्हें सुपरस्टार नागा चैतन्य के साथ फिल्म मिली ओका लैला कोसम, जिसमें भी इन्होंने अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन से ये साबित कर दिया कि एक्टिंग के मामले में किसी से कम नहीं है। इसी वजह से इन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसके बाद तो इनके अभिनय करियर की गाड़ी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आई और इन्हें आगे चल करना सिर्फ रंग स्थलम और अला वैकुंठपुरा रामुलु जैसी सुपरहिट साउथ फिल्मों में काम करने का मौका मिला, बल्कि इन्हें बॉलीवुड में भी डेब्यू करने का सुनहरा मौका मिला, जहां इन्होंने मोहन जोदड़ो और हाउसफुल 4 जैसी कई फिल्मों को अपने नाम किया और दर्शकों से खूब सुर्खियां बटोरी, जिसके चलते आज इनकी पहचान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। तभी तो इनके नाम कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, जो न सिर्फ अपकमिंग फिल्म राधेश्याम में नजर आने वाली है, बल्कि इनके अपकमिंग फिल्मों में सर्कस और कभी ईद कभी दिवाली फिल्मों के नाम शुमार है। एक नजर डालें इनकी पर्सनल लाइफ की ओर, तो बता दें कि ये बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारा फिलहाल सिंगल है, लेकिन इन दिनों उनका नाम रोहन मेहरा नाम के शख्स के साथ जोड़ा जा रहा है, जिनके साथ इन्हें कई बार स्पॉट भी किया गया है और दोनों की इसी नजदीकियों को देखकर क्यास लगाई जा रही है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही अपनी इस रिलेशनशिप को कन्फर्म भी करने वाले हैं। वेल दोस्तों, पूजा हेगड़े के इस परिवार के इतिहास और पर्सनल लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।